हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास लिस्ट ऑफ द नेम या सिटी हो, उसको आप हिंदी में इस तरह से कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए अब हिंदी का कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, हिंदी में कन्वर्ट कर, हाँ मैनुअली टाइप कर सकते हैं अगर आपके पास फॉन्ट हो तो। या दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पे जैसे कि आप नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो गूगल ट्रांसलेटर होता है, उससे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, गूगल ट्रांसलेटर माफ़ कीजिएगा, इसके अंदर जो रिव्यू के अंदर ट्रांसलेटर होता है उससे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। देखिए यहाँ पे पूजा सिंह को यूपी सिंह कर रखा है, और उसमें फिर आपको कॉपी, यहाँ से कॉपी करके फिर आपको करना पड़ेगा। तो इसमें लिस्ट सिलेक्शन करने के बाद ट्रांसलेट तो करता है हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन जब लेकिन सही तरीके से नहीं करता, उतना परफेक्टली नहीं होता है। और फिर कॉपी पेस्ट करने पे वो एक सेल में इस तरह से आता है, सामने सामने नहीं आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं सामने सामने आए, तो उसके हालांकि दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको कॉपी करें, लिस्ट को कॉपी कर लें, और फिर उसके बाद आप इंटरनेट को खोलें और जाएं गूगल ट्रांसलेटर। जी हाँ, गूगल ट्रांसलेटर में जाएं। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर भी आपको 100% परफेक्शन नहीं देता है, बट हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कर दी, और इसको फिर कॉपी करके यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए, यहाँ पे आ जाए। तो ये भी अगर बहुत बड़ा लिस्ट है तो इसका इसमें भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब काफ़ी बड़ा लिस्ट हो तो उस केस में आपको यूज करना है गूगल सीट। तो आप गूगल ड्राइव में अपना गूगल ड्राइव खोलिए और न्यू पे जाइए, और यहाँ से आप गूगल सीट ओपन कीजिए। इस तरह से एक ब्लैंक एक्सेल, और गूगल सीट भी बिल्कुल एक्सेल की तरह ही होता है, बहुत सारे फीचर्स एक्सेल से भी अच्छा है इसमें। तो यहाँ पे हमने उसको पेस्ट किया, और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर, हमने गूगल ट्रांसलेट को लिया, हमने इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा। सोर्स लैंग्वेज कौन सा है हमारा? इंग्लिश है, तो यहाँ पे EN लिखेंगे। बस फर्स्ट को परफेक्टली वर्क करेगा। इसको ट्राई करके देखिए, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कॉल कर लीजिए, मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, उस पर वीडियो बनवानी है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करें।